अच्छा फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन आने वाला है। आए दिन हम हेयर स्पा नहीं करा सकते और कराना भी नहीं चाहिए है। यहाँ पे मैं आपको शेयर करूंगी प्रोटीन ट्रीटमेंट, जिसमें मैं आपको चार रेमेडीज शेयर करूंगी, शैम्पू से पहले, शैम्पू के टाइम पे, कंडीशनर के टाइम पे और सीरम के टाइम पे। ये सारी हम होम रेमेडी के साथ करेंगे और रिजल्ट दिखाऊंगी आपको। 100% इफेक्टिव रेमेडी है ये, और आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, अपने बालों से प्यार हो जाएगा। जब आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा तभी आप इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे। सो लव योर सेल्फ एंड यूज़ दीज रेमेडीज कंसिस्टेंटली टू गेन द बेनिफिट। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। है और इसको स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे पैन, पैन में मैंने डाला है पानी, पानी में मैंने थोड़ा सा अलसी डाल दिया है 2 चम्मच के जितना। फ्लैक्स सीड्स में भरपूर मात्रा में विटामिन बी, ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके हेयर के रूटीन में ऐड होने से आपके हेयर की हेल्थ इंप्रूव होती है, हेयर लॉस रिड्यूस होता है, स्कैल्प की हेल्थ अच्छी होती है, आपके हेयर स्ट्रेंथन होते हैं, कंडीशन होते हैं, पीएच लेवल बैलेंस होता है, हेयर डैमेज हो चुका है वो ठीक होता है। फ्लैक्स सीड तो मेरे लिए वरदान है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम आपके सिल्की और स्ट्रेट हेयर कैसे लगते हैं, तो फ्रेंड्स मैं फ्लैक्स सीड को कभी मिस नहीं करती हूँ। मतलब मोस्टली मैं इसको यूज़ करती हूँ, 90% आप कह सकते हैं मैं फ्लैक्स सीड्स और फेनुगिक सीड्स को यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए, और वो 110% वर्क करता है। बस आपने उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सीजन ऑफ द फ्रूट्स अवेलेबल। लाइक आंवला है तो आंवला डाल सकते हैं, बीटरूट है तो बीटरूट डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो एलोवेरा जेल डाल दो, फ्लैक्स सीड जेल तो अपने आप ही बन जाता है 12 महीने। सो इस तरीके से फ्लैक्स सीड जेल को बनाइए और स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, इसको स्टोर करके आप कांच के कंटेनर में एक लेवेंडर ऑयल या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल के स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको कि हम वीक में 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हम मल्टीपल टाइप से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पे फेनुगिक सीड्स। फेनुगिक सीड जैसा कि मैंने अभी बताया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए, लाइक अगर उसका हेयर मास्क लगाते हैं तो भी उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके बालों को नरिश करती हैं। सो सबसे ज़्यादा मेन काम जो हमारे बालों को नरिश करने का होता है वो होता है प्रोटीन ट्रीटमेंट। जब हम बाज़ार में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन ट्रीटमेंट के हम इतने सारे पैसे भर के आ जाते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट मीन्स आपके बालों के अंदर वो प्रोटीन को फिल करते हैं, मॉइस्चर करते हैं। सो यहाँ पे जो हम ये प्रोटीन का जेल बना रहे हैं, जो ये फ्लैक्सीड और फेनुगिक सीड्स का हम जेल बना रहे हैं, ये भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया गया है और ये आपके बालों में डीपली पेनिट्रेट करके ये आपको नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर देता है, जो कि लॉन्ग लाइफ रहता है। बाजार के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो थोड़ी दिन में ख़त्म हो जाते हैं और इतने सारे पैसे भी लग जाते हैं। ये वाले जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये चलते हैं आपके लाइफ टाइम और इसको इजीली आप घर पे बना सकते हो। इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते और मेहनत जब आप करते हो और आपको रिजल्ट मिलता है तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। इसीलिए मेहनत करिए थोड़ी सी अपने लिए कम से कम, सो दैट कि आपको देख के आप एक रोल मॉडल बन पाए अपने पड़ोसियों के लिए, अपने और सगे संबंधियों के लिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। सो यहाँ पे मैंने इस जेल को तैयार कर लिया है, जेल को तैयार करके मैंने यहाँ पे बाउल में रख लिया है। नाउ स्टोर करना चाहें तो इसमें एसेंशियल ऑयल डालें और इसको स्टोर करके रख दें एक कांच की शीशी में भर के। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगी हेयर ऑयलिंग। ये आपने वीक में वंस ज़रूर करनी है, अगर आप 2 बार हेड वॉश करते हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अपना होममेड हेयर ऑयल, जिसमें मैंने कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल ऐड किया था और कुछ हर्ब्स को ऐड किया था। और ये रेमेडी या तो आपको इससे पहले मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के बाद में मिलेगी, सो आसपास इसके ये ऑयल की रेसिपी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपके पास ये होममेड ऑयल नहीं है तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं और हल्का सा कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिएगा तो बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाती है। ये हमारा हेयर ऑयल तैयार हो गया है। आप मेरे बालों को देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से 3 दिन हुए हैं मेरे बाल नहीं धुले हैं, ड्राई रफ हो रहे हैं और मुझे थोड़ा सा नरिशमेंट चाहिए। ऐसा चाहिए कि मेरे बालों में हार्श ट्रीटमेंट भी ना हो और मेरे बाल सिल्की स्मूथ भी हो जाएं। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपने बालों के ऊपर, अपने स्कैल्प के ऊपर, अपने बालों के लेंथ के ऊपर अच्छे से अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने इसको बन बना लिया है।
बन बनाने के बाद मैंने इसको स्टीम दिया है। नाउ स्टीम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको पेनिट्रेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हेयर के क्यूटिकल जब ओपन होते हैं, जब ये अच्छे से स्टीम आती है, तो आपके हेयर के अंदर ये सारे नरिशमेंट चले जाते हैं। तो आपने 5 से 10 मिनट ही स्टीम लेना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसको ओपन कर दीजिए, फिर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करिए। मतलब कि गर्म गर्म हेड में आपने अपने हेड को जाके वॉश नहीं करना है साथ के साथ, इससे आपको सर्द गर्म हो सकती है। तो इसको स्किप करिएगा। मींस अगर स्टीम लिया है तो आप 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करिएगा, टेम्परेचर आपके सिर का नॉर्मल हो जाए तभी आप जाके अपने हेड को वॉश करिएगा। नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। तो वॉश करने के लिए हमें यूज़ करना होगा शैम्पू। तो प्रोटीन की जहाँ बात आती है, वहाँ बात आती है एग की। बट फ्रेंड्स, कई लोगों को एग की स्मेल अच्छी नहीं लगती है और कई लोग एग को यूज़ ही नहीं करते हैं, बट बहुत अच्छा होता है उसका प्रोटीन। सो यहाँ पे मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो है मामा अर्थ का एग प्लेक्स शैम्पू, जिसमें है एग प्रोटीन, जो कि आपके बालों को नरिश करता है और बूस्ट करता है हेयर ग्रोथ को, स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है, ब्रेकेज को कम करता है। कोलेजन है इसमें, जो कि एक पावर हाउस होता है प्रोटीन्स का। कोलेजन स्ट्रेंथन करता है हेयर को, हेयर थिनिंग को कम करता है। कैरेटिन है इसमें, जो कि आपके हेयर को स्मूथ बनाता है और आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है और स्प्लिट एंड्स को भी कम करता है। होहोबा सीड ऑयल है, जो कि हाइड्रेटिंग नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ वाला होता है, और ये ऑयल आपके हेयर को मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ स्टिम्युलेट करता है आपकी हेयर ग्रोथ को। सो एग प्रोटीन जो होता है और जो कोलेजन होता है, उस पर क्लिनिकल स्टडी की हुई है और ये काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इस हेयर शैम्पू के। जेंटली क्लीन करेगा आपके बालों को, स्ट्रेंथन करेगा, शाइन करेगा, डैमेज हेयर को रिड्यूस करेगा और मेड सेफ सर्टिफाइड तरीके से बनाया गया है। नाउ फ्रेंड्स, इसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मैंने जो ये जेल बनाया है इसको ऐड कर दिया है। आप इसको डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। नाउ मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं। साथ ही साथ ये अवेलेबल है मामा अर्थ अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पे। बिंदु 2022 कोड यूज़ करने से 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको mamaearth.in की साइट पे। प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ये, और ये इन्होंने ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अर्ली एक्सेस के लिए, अर्ली डिस्काउंट्स के लिए आप इसको ज़रूर चेक करिएगा। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बार में दिए गए हैं। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक कर देते हैं, जिससे कि ये ट्री को प्लान करते हैं। सो एग्जैक्ट जियो लोकेशन एंड पिक्चर आपको भेज दी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं कि आपके बालों में मॉइस्चर भी बना रहे। सो इस तरीके से शैम्पू को यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने यूज़ किया है एग प्लेक्स का ही कंडीशनर। 250 ml का ये बॉटल है और इसके की इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है, एग प्रोटीन, कोलेजन, कैरेटिन, होहोबा सीड ऑयल। सो ये जो कंडीशनर है, इसमें भी मैंने ये जेल को ऐड किया है। तो इतना सारा प्रोटीन होने से तो लाजमी है कि आपके बाल सिल्की स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे, और फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा। सो कंडीशनर के बाद आपने फ्रेंड्स इस हेयर जेल को जो मैंने बनाया है, इसको एज ए सीरम यूज़ कर सकते हैं। सो आपने अपने डैम्प बालों में इसको अप्लाई करना है। जैसे हम सीरम लेते हैं, अपने हाथ पे लीजिए, आधा चम्मच बहुत है आई थिंक मेरे बालों के हिसाब से। सो आधा चम्मच के जितना लिया, पूरी हथेलियों में इसको रब कर लिया, और उसके बाद आपने अपने बालों में, गीले बालों में इसको अप्लाई कर लिया और हल्का सा एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, और फिर नॉर्मल कॉम किया तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से सीरम नहीं लगाया है, और जो कंडीशनर यूज़ किया है उसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ इसको भी एज ए कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाइए और नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। सो आई थिंक कि ये बहुत 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 अच्छा प्रोटीन ट्रीटमेंट है, जो कि आप अपने घर पे इजीली कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।